हे गाइस वेलकम बैक टू द मिस्टर व्याज और आज है ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस सीरीज का पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी पार्ट वन मिस किया है डेफिनेटली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या थंबनेल में आपको दिख रहा है। सो गाइस जाके सीखिए जहां पे हमने डिस्कस किया था बेसिक ब्लॉगर होता क्या है और उस ब्लॉगर के अकाउंट के अंदर हमने सेटअप किया था बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, कौन कौन से चेंजेस आपको कहां कहां पे सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शंस चूज करना है। साथ ही साथ हमने कुछ पोस्ट पब्लिश किए थे और चार पेजेस भी पब्लिश किए थे। तो ये सारी बेसिक लर्निंग एज अ ब्लॉगर आपको होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, तो क्वाइट बेटर है कि आप पहले उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें। 40 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने एक एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। सो गाइस दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। आज है हमारा पार्ट टू और इसके बाद होगा फाइनल पार्ट थ्री। तो पार्ट टू के अंदर हमारा जो मोटो है वो है एक थीम इंस्टॉलेशंस का। बेसिकली पार्ट वन के अंदर हमने एक ब्लॉगर की इनबिल्ट एक टेम्परेरी थीम इंस्टॉल की थी। अगर आप एडसेंस के लिए आपकी साइट को अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो गाइज उसके थ्रू अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक गुड लुकिंग थीम नहीं है, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज थीम नहीं है। सो आपको चाहिए एक कस्टम थीम और वो कस्टम थीम जो कि आपकी साइट का एक आउटस्टैंडिंग लुक दे ताकि कभी भी या तो कोई रीडर आए या फिर गूगल आपके एडसेंस के अप्रूव करे नहीं करे, वो सारा उसी चीज पर डिपेंड करेगा। सो गाइज वो बेसिकली कस्टम थीम आपको कहां से मिलेगी, उस कस्टम थीम को आपको कैसे ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ उस कस्टम थीम को कैसे आपको प्रॉपरली कस्टमाइज करना है, कौन सा ऑप्शन को उसमें जाकर के चेंज करना है। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो इस वीडियो को देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको कस्टम थीम कहां से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रहेगी और उस थीम को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें सेटअप्स करना है, उस थीम के अंदर कैसे आपको पोस्ट और पेजेस को प्रॉपरली कॉन्फिगर करना ताकि आपकी साइट का एक आउटस्टैंडिंग लुक आ जाए। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज आपने साइट बना दी है, आपके पोस्ट पब्लिश है लेकिन आपकी साइट का लुक नहीं है तो कोई भी एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको मिलेगा नहीं। साथ ही साथ कोई भी विजिटर्स आएगा उसको फॉन्ट की साइज मैच नहीं हो रही है, उसको किसी भी डिफरेंट टाइप्स का लुक मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक हो जाएगा। सो गाइस ये है पार्ट टू और पार्ट थ्री में हम लिखने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली पोस्ट, कैसे आपको ब्लॉगर के अंदर पब्लिश करना है। इन तीन वीडियो के साथ में मैं इस ब्लॉगर की सीरीज को एंड करने वाला हूं क्योंकि इसके बाद हमारा जो मेन मोटो चालू होने वाला है वो है वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस की सीरीज जो करीब 10 से 15 वीडियो का रहेगा जिसके अंदर हम एवरी चीज रिलेटेड टू बैकलिंक्स एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। ये ब्लॉगर की सीरीज को हम यहीं पे 3 एपिसोड्स के अंदर लिमिट करने वाले हैं। सो गाइस देखिए फर्स्ट वीडियो, आज है सेकंड और देखना मत भूलिएगा थर्ड वन अगर आप रियली में चाहते हैं ब्लॉगर के थ्रू आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करना। पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड में आप एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइज अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे और सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए क्योंकि यहां पर मिलने वाली है आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल वन बाय वन। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा गाइस कौन सी चीज मिसिंग और कौन सी चीज आप जानना चाहते हैं ताकि इस पे हम आगे काम कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलते हैं गाइस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। बेसिकली आ चुके हैं हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और ये हमारा ब्लॉग था जो कि हमने पार्ट वन के अंदर लेफ्ट किया था। वहां पे उस समय एक सिंगल पोस्ट पब्लिश था, अभी मैंने कुछ ऐसे रैंडम दो पोस्ट ऐड कर दिया ताकि हम थीम को कस्टमाइज करके उसको प्रॉपरली चेक कर सके कि क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं जिससे कि आपकी साइट का एक आउटस्टैंडिंग लुक मिले। जो पुराना जो हमारा जो थीम इंस्टॉल था उसका अपन लुक देख पा रही है, बेसिकली उसका लुक था जहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर दी है तो इसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं जो पुरानी थीम इंस्टॉल थी वो अगर किसी यूजर को आज के टाइम पे अगर आप इसको ब्राउज करके देखेंगे तो आपको इस तरीके का लुक दिख रहा है जहाँ पे ये पोस्ट वन है, नीचे पोस्ट टू है, ये सेकंड पोस्ट मैंने ऐड कर दिया है सर रैंडमली कॉपी कॉपी पेस्ट और ये थर्ड पोस्ट ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके का लुक है। एंड डेफिनेटली यू नो अगर आप इस तरीके की साइट पर अगर कोई भी यूजर लैंड होता है तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपकी साइट रैंक करेगी या फिर गूगल एडसेंस उसको अप्रूवल देगा। तो हम चाहते हैं एक कस्टम थीम को ऐड करना जिससे कि आपकी साइट का आउटस्टैंडिंग लुक मिले और मैं आपको वो कस्टम थीम सजेस्ट करूंगा जिसके थ्रू आपको गारंटीड एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द थीम आपको किसी भी तरीके का इश्यूज नहीं आएगा। सो गाइस जिसके थ्रू मैंने मेरे बहुत सारी वेबसाइट्स एवं बहुत सारे फ्रेंड्स की वेबसाइट्स भी कस्टमाइज करके भेजी हुई है और उसके थ्रू एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, सो वो मेरी ट्रायल एंड टेस्टेड थीम है और वही मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। सो गाइस बेसिकली ये हमारा जो ब्लॉगर का अकाउंट है आज हम यहाँ पर चेंजेस करने वाले थीम का। अगर हम थीम के सेक्शंस में जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी एक्जैक्टली थीम जो इंस्टॉल थीम है वो इस तरीके का लुक दे रही है। सो गाइस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप फ्री में अगर ब्लॉगर के लिए थीम्स चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा खासा लुक देती हो तो आपको दो साइड में रेफर करता हूँ। एक आप सोरा टेम्पलेट्स पे जा सकते हो और यहाँ से आप कोई भी थीम आपको जो सूट करती है वो आप फ्री की इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं।
दूसरी जो थीम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है वो है गोया बाई टेम्पलेट्स। सो बेसिकली ये बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म और यहाँ पे अनलिमिटेड थीम्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। सो इसी गोया बाई टेम्पलेट के अंदर एक जो थीम है जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसपे मैं मेरे ब्लॉग्स बना करके एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजता हूँ, वो है मिनिमा कलर्ड 3 मैगजीन। सो गाइज ये वो थीम है। बेसिकली आपको क्या करना है, गूगल में सिंपली टाइप करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एक्जैक्टली आपको क्या टाइप करना है, कलर्ड मिनिमा 3 फ्री थीम बेसिकली आपको टाइप करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपको ये दिखाई देगा गोया बाई टेम्पलेट्स। सो बेसिकली ये साइट का नाम है और यहां पे एक मिनिमम कलर 3 मैगजीन ब्लॉगर टेम्पलेट है। सिंपली जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली उसके साइट पर राउट हो जाता है और उसके साइट से आपको थीम को इंस्टॉल करना है। तो ये प्रोसेस में हम पूरा थीम कस्टमाइजेशन पे बात करेंगे। तो गाइज ये है कलर्ड मिनिमा की थीम, देख सकते हैं आप इसका कितना अमेजिंग लुक है और यही लुक हम आपकी साइट का आज देने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक। सो गाइज आप देख पा रहे हैं बेसिकली है कलर्ड मिनिमा थीम। अगर आप इसका लाइव डेमो चाहते हैं तो आप सिंपली लाइव डेमो पे क्लिक कीजिए, एक अलग से टैब खुल जाएगा और आपको दिख जाएगा एक्जैक्टली एक साइज, अगर आप प्रॉपरली कस्टमाइज करते हैं तो उस केस के अंदर कैसी दिखेगी। गाइज अगर आप कस्टमाइज नहीं कर पाते थीम को तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए चार्जेस पे करते हैं और बेसिकली मुझे भी बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि उनकी थीम को प्रॉपरली कस्टमाइज करता है, जिसका अगर मार्केट प्राइस देखें तो अराउंड 2 to 3,000 होता है। लेकिन इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, इसके बाद आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइस आप देख पा रहे हैं ये है बेसिकली ऐसा थीम का आपको लुक दिखने वाला आपकी साइट का, जो कितना अमेजिंग है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही क्लासिक थीम है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप एडसेंस के ऐड को ऐड कर सकते हैं, आपकी साइट का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस चला सकते हैं, यहाँ पे आपके रिसेंट पोस्ट लिख सकते हैं, साथ ही साथ एडसेंस के ऐड आप पैरेलली चला सकते हैं, ईमेल सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं और एट द बॉटम भी आप जो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। सो गाइज ये वो थीम है जो बेसिकली आपको इंस्टॉल करनी है। तो ये इसका डेमो हो गया। इस थीम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली गाइज आपको इस लिंक पे जाना है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक zip फाइल इंस्टॉल हो जाती है। तो मान लीजिए कि हमारी एक zip फाइल है जो इंस्टॉल हो गई है और इसी के अंदर हमारी थीम है, तो मैं इस थीम को अभी डिस्कस करेंगे अपन एग्जैक्टली ये थीम है क्या और कैसे काम करती है। सो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा है, लेट्स सी मैं वहीं पे सारा काम करते हैं ताकि एग्जैक्टली हमारे पास सारा डेटा एक जगह पे स्टोर्ड रहे। सो यहाँ पे ब्लॉग एंड यूट्यूब एंड देन टेस्ट और बेसिकली यहाँ पे हम वो थीम को कॉपी करेंगे। सो गाइज यहाँ पे उसका zip फाइल आ चुका है। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल करना है सेम पोजीशन पे, तो यहाँ से आपका थीम ओपन हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो गई उसकी फाइल और इस फाइल को हम यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली ये है आपका थीम और मिनिमम कलर थीम के सेक्शंस के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके का एक फोल्डर दिखेगा और इस फोल्डर के अंदर जैसे ही आप जाते हैं सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे डिटेल है। सबसे पहले चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप नए हैं एक्जैक्टली आपको नहीं पता कि इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है तो आप इसके index.html की फाइल को देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पूरा कोड लिखा हुआ रहेगा। तो ये तो पार्ट हो गया अगर आप लिटिल बिट कोडिंग जानते हैं या इस तरीके के कोई डिटेल जानते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं जिसको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है गाइस, तो आप बेसिकली उस index.html के फाइल को ओपन कीजिए। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि इनकी थीम कैसी है, कैसे आपको कस्टमाइज़ करना है, कौन से थीम का जो HTML कोड होता है उस कोड में जाके आपको कैसे चेंजेस करना है जिससे कि आपकी साइट अच्छे से दिख जाए। सो घबराइए मत गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 60-70% यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और गाइस ये थीम जो प्रॉपरली कस्टमाइज्ड है मेरे पास वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, इसके लिए क्या है वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में थीम मिल जाएगी मेरी तरफ से आपके लिए। सो गाइस क्या करना है आपको, बेसिकली जैसे ही आपको इस थीम का जो टेम्पलेट ओपन होता है तो इस थीम के अंदर टेम्पलेट का सेक्शन होता है, उसमें जाएंगे तो ये रही आपकी थीम। बेसिकली इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तो घबराइए मत, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस अर्लियर हमने लुक देखा आपकी साइट का कैसा दिख रहा है, ये इस तरीके का आपकी साइट का लुक दिख रहा है, ओके। और इस थीम को आपको चेंज करना है, मतलब अगर कोई भी एक्जिस्टिंग थीम होती है उसके कोड में चेंजेस करना है तो आप HTML में जा सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आप जो जो भी चेंजेस चाहते हैं वो कोड में कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा है थीम को इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर के फंक्शन के अंदर जाना है और जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होगा, वो होगा चूज थीम। बेसिकली आपको एक थीम चूज़ करना है। सो लेट मी क्लिक, बेसिकली मैंने क्लिक किया हुआ, आई थिंक ये पेज लोड हो रहा है।
सो गाइज जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको वो थीम पहले इंस्टॉल कर डाउनलोड करनी है, उसको अनजिप करना है और सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करते हैं आपको लोकल सिस्टम में जहाँ पे वो थीम इंस्टॉल किया हुआ है उस लोकेशंस पे जाना है। कैसे कैसे जाना है इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइज ब्लॉग एंड यूट्यूब जहाँ पे हमने वो थीम इंस्टॉल की है, जैसे कि ये जिप फाइल नहीं अनजिप फाइल में आपको जाना है, यहाँ पे जाना है टेम्पलेट के अंदर जाना है और ये कलर्ड मिनिमा 3 मैगजीन स्टाइल जो थीम है उस पर बेसिकली आपको क्लिक करना है। देखिए ये XML डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके अंदर कोड इनबिल्ट रहता है, तो सिंपली इसको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, आपको अपलोड कर देना है। ये बेसिक सा स्टेप करना और कोई भी कस्टम थीम, जो भी कस्टम थीम आप चाहें वो इस तरीके से कॉन्फिगर कर सकते हैं। सो गाइज आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपकी थीम इंस्टॉल हो चुकी है और इस थीम को अगर आपको देखना है तो हम अब की बार साइट को ओपन करके देखेंगे। देखिए पहला का जो लुक था आपकी साइट का वो इस तरीके का था, अभी जो नया लुक आ रहा है वो गाइज अब एकदम चेंज हो चुका है आपकी साइट का, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम थीम इंस्टॉल कर दी है जिसने आपका आधा काम वैसे ही सॉल्व कर दिया। सो गाइज आप देख पा रहे हैं अभी थीम का लुक एकदम चेंज हो चुका है, अभी आपकी साइट ऐसे दिखने लगी है। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, अभी इनिशियली आपको इस तरीके का लुक दिख रहा है, आपको कहाँ पे क्या सेटअप करना यही है इस वीडियो के बारे में। और गाइज ये थीम आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो आपको साइड बाय साइड में ये इमेजेस दिखती है, बेसिकली इसके बैकग्राउंड इमेज है। तो इस इमेज को सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, ये स्टेप्स ध्यान से समझिएगा इस इमेज को कैसे क्लियर करना है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो गाइज आपको सबसे पहले ये कर दिया है आपने, इसके बाद आपको एडिट HTML, हाँ देखिए गाइज ये इंस्टॉल करने के बाद एक छोटा सा स्टेप करना है आपको, सिंपली इस पे जाना है और यहाँ पे चूज कीजिएगा नो शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल, अदरवाइज क्या होगा इस थीम का मोबाइल में लुक एकदम घटिया दिखेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो क्वाइट बेटर है आप यहाँ पे शो डेस्कटॉप थीम ऑन मोबाइल पे क्लिक करें, ये करना मत भूलिएगा, डेफिनेटली करना मत भूलिएगा, और सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप करते हैं ऑटोमेटिकली अगर आप इसको मोबाइल में भी अभी ओपन करके देखेंगे, जैसे कि आप पहले भी देख पा रहे हैं तो ये मेरा मोबाइल का जो सेटअप था, अभी देख पा रहे हैं आप ये थीम कैसे दिख रही है। सो गाइज सिंपली ये सब कुछ चेंजेस करने के बाद आपकी सारा सेटअप हो चुका है, अभी हमें काम करना है ये जो साइड में जो इमेजेस है इस थीम के साथ, अभी हम बात करने वाले थीम को कस्टमाइजेशन की। सो गाइज ये जो साइड के जो सेक्शंस हैं और ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ब्लॉगर के अंदर ये फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 है, ये ब्लॉग है साइट मैप है, यहाँ कैटेगरीज है, मतलब क्या आपका जो ब्लॉग लिख रहे हैं, मान लो कि इस ब्लॉग में आप ब्लॉगिंग के बारे में है, होस्टिंग के बारे में है और डिफरेंट डिफरेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में है, SEO के बारे में, तो आप ये कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका जो होता है वो इस HTML कोड के अंदर जा करके होता है। तो सबसे पहला हम जो सबसे बेसिक काम करने वो करने वाला है कि ये जो साइड में जो इमेजेस आ रही है आपको, ये जो एरर के सिंबल्स दिख रहे हैं, हम इसको हटाएंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक काम करना है, एडिट HTML पे जाना है, इस ध्यान से समझिएगा, और इसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना और कंट्रोल F पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है बैकग्राउंड, ओके, और सिंपली हिट करना है। जैसे ही बैकग्राउंड करते तो जितने भी बैकग्राउंड होंगे इस थीम के अंदर वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, ये है बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड, ये है बैकग्राउंड, और सिंपली आपको जाना है 212 लाइन, बेसिकली 212 नंबर के लाइन पे जाना और वहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं एंड लेट्स सी वो ऑप्शंस है कहाँ पे, और वहाँ पे एक आपको छोटा सा चेंजेस करना, ये रहा बैकग्राउंड। और गाइज ये जो इमेज है जो आपको दिख रहा है डॉट PNG तक का कोड है, ये ध्यान से देखिएगा, जूम कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा, ये जो कोड है सिंपली जो डॉट PNG जो इमेज है उसके बैकग्राउंड उसको आपको डिलीट करना है, सिंपली डिलीट करके आपके सिम को सेव कर देना। इतना काम हो गया गाइज, आपका काम हो चुका है, अभी सिंपली हम क्या करेंगे, बैक टू आएंगे हमारी थीम के साइड पे, इसको हटा देता हूँ मैं, ये हेल्प का सेक्शन ओपन हो गया। सो गाइज इतना काम आपने कर लिया मतलब कि आपके थीम हो चुके हैं सेव। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो एरर सिंबल्स है वो अभी यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये देख पा रहे हैं, देखिए प्रॉपरली अभी आपकी थीम एकदम प्रॉपर आउटस्टैंडिंग लुक इसका आ चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे आपके पेजेस हैं जो आपने पब्लिश किया, कितना गुड लुकिंग है, देखिए इमेजेस हैं, रीड मोर के सेक्शन में जाके आप पेज को पढ़ सकते हैं, ये कैटेगरीज अगर आप जो भी ऐड करते हैं वो दिखेगी, कैसे ऐड करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे आपकी साइट का लोगो लगा सकते हैं और यहाँ पे आप ऐड डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो ये सारी आपकी साइट प्रॉपरली दिखने लगी है। जैसा कि अगर मैं इसके एक्चुअल थीम की बात करूँ, जैसे उसकी एक्चुअल थीम यहाँ पे दिख रही थी आप देख पा रहे हैं ये कैसे ऑप्शन थे, ये ऐड था, ये सारा आ गया लुक। अभी हम ये कैसे ऑप्शन लाने इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज ये पेजेस आपको दिख रहे हैं, साथ ही साथ हम फुटर में जाएंगे तो फुटर में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो ये तो आपकी बात होगी ये सारी चीज़ों के बारे में। चलिए गाइज अभी चलते हैं थीम कस्टमाइजेशन पे, कैसे आपको काम करना है, तो मैं इसको बैक पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हम ये थीम कस्टमाइजेशन का काम कर चुके हैं, ये ऑप्शन सारे ऐड हो चुके हैं। सो गाइज इस तरीके से आपको थीम को इंस्टॉल करना है। अभी हम बात करने वाले हैं इस थीम के लेआउट के बारे में कि एग्जैक्टली आपको ये लेआउट कैसे चेंज करना है, इस लेआउट मतलब कि यहाँ पे आपको ये ब्लॉग आर्काइव दिख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे एडसेंस का ऐड दिखना चाहिए, तो चलिए इस पर फटाफट से काम करने वाले हैं, वीडियो के साथ क्विकली बने रहिएगा। तो गाइज इसके लिए आपको जाना होता है लेआउट के सेक्शंस के अंदर,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली लेआउट क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा होता, हम एक एक चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, ये वो है ब्लॉगर का आइकन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइड का ये जो आइकन है वो चेंज हो जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोरा टेम्पलेट ने एस सेट कर रखा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी साइड का जो नाम है वो दिखे, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप फेविकॉन आइकन चेंज कर सकते हैं। तो वो हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा मेन पार्ट है हेडर। हेडर क्या है? ये गाइज आप देख पा रहे हैं, ये हेडर आपको एकदम ऑकवर्ड लग रहा है, हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी साइड का लोगो दिखे। कैसा लोगो? जैसा कि ये दिख रहा है यहाँ पे, इनके साइड के अंदर इन्होंने जैसा कि नाम लिखा है, यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हैं। तो कैसे आपको लगाना है? तो इसके लिए पहला सेक्शन होता है हेडर। तो हेडर पे आपको काम करना है, ओके, और कुछ चेंजेस यहाँ पे करना है। सबसे पहले चीज़, ये आपको डिस्क्रिप्शन हटा देना है, ये डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चूज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपकी साइट का जो भी लोगो आप लगाना चाहते हैं, आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, और जहाँ पे भी आपकी साइट का जो लोगो होगा वो सिंपली, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक लोगो है मेरा मिस्टर व्यास का, मेरे यूट्यूब चैनल का, वही मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, इस तरीके से आपका लोगो इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन करना है इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बजाय यहाँ पे मेरा लोगो दिखाया जाए, ओके। तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना और सेव पे क्लिक कर देना। इतना काम आपने किया और सिंपली सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करना है और आपकी साइट पे वो फीचर इंप्लीमेंट हो चुका है। अभी ये डिस्क्रिप्शन चला जाएगा और सिर्फ यहाँ पे लोगो दिखेगा। सो गाइज, इस तरीके से अभी आपको लोगो दिख चुका है यहाँ पे, कैसा आपका लोगो आपके साइट का दिखने वाला है। इसको आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लोगो अपलोड करेंगे वैसा वो स्पेस क्रिएट करेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी बात करती है हेडर राइट। हेडर राइट में क्या होता है? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी साइड में यहाँ पे एडसेंस के ऐड दिखे, जो बेसिकली हर कोई ब्लॉगर चाहता है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने भी यहाँ पे एडसेंस ऐड को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये ऐड कैसे दिख रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ के सेक्शन के अंदर आना है एड अ गैजेट, और यहाँ से अगर आपका ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट लिंक है तो आप एडसेंस चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में एडसेंस अकाउंट नहीं है, हम कहीं से ऐड लिंक बाद में जाकर ऐड करेंगे, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं HTML JavaScript। सो बेसिकली आपको इसको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि हमने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि कैसे आप एडसेंस के ऐड कोड को ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली एडसेंस के ऐड कोड को आपकी साइट पे यहाँ पे ऐड कोड आप गूगल एडसेंस में जाकर के ऐड यूनिट क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दे। जैसे पेस्ट करके आप सेव करेंगे ऑटोमेटिकली, गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा 720x790 वाली ऐड लंबी हॉरिजॉन्टल वाली ऐड ऐड करें, ताकि वो इस तरीके का लुक आएगा। जैसे कि यहाँ पे रिकमेंडेड है 728x90 के ऐड आप गूगल एडसेंस में जाके क्रिएट करें और उसका ऐड कोड यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो अभी यहाँ पे आ चुकी है आपकी साइड में ऐड, जो कि हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिखेगी नहीं, ओके गाइज। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट होता क्या है? अगर मैं फर्स्ट विजिट के अंदर कोई डेटा ऐड करूँगा यहाँ पे, अगर कोई किसी भी तरीके के, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल ऐड करूँगा तो आपकी साइड में यहाँ पे जो फीचर्ड इमेजेस हैं ये वाला सेक्शन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो, तो गाइस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ऐड विजिट कर सकता हूँ, और मान लीजिए कि मेरा कोई भी फीचर्ड पोस्ट हो या फिर लेटेस्ट का जो कोई भी पोस्ट हो वो वहाँ पे दिखे, तो मैं यहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी इमेजेस हैं या कोई पेजेस हैं, कुछ भी चाहूँ, मैं पॉपुलर पोस्ट ऐड करना चाहूँ या पॉपुलर पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैं चूज़ कर सकता हूँ क्या दिखना चाहिए। तो नहीं, मुझे सिर्फ इमेजेस दिखनी चाहिए और मैं इसको सेव कर सकता हूँ, कितने अपटू पोस्ट होने चाहिए, तो मेरे चार पोस्ट ज़्यादा दिखें, तो मैं इसको सेव जैसे ही करता हूँ और आप साइड पे जाके देखेंगे, थोड़ा कस्टमाइज आपको करना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली इन दोनों के रिसेंट पोस्ट के ऊपर एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर वो आपके जितने भी पोस्ट हैं अगर उनकी प्रॉपरली इमेज कस्टमाइज्ड हैं तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लोडिंग इश्यूज आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो इमेज प्रॉपरली कस्टमाइज नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे दिख नहीं पा रहा। तो ये स्पेस जो आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको इस सेक्शन से डील करना होगा, ये वाला सेक्शन। अभी के लिए हम नहीं करने वाले हैं, सो मैं इसको वापस जाके रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम बेसिक से, तो रिमूव के लिए आपको रिमूव पे क्लिक करना और ओके पे करना है और वो सेक्शंस वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये अगर सेक्शंस में आप फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहते हैं जैसा कि इन्होंने कर रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको ये कस्टमाइजेशंस करना होगा। सो आपको ये डिटेल क्लियर हो गया, मैंने इसको रिमूव कर दिया, आप देख पा रहे हैं एकदम ब्लैंक स्पेस, एकदम वापस पुराने वाले थीम आ चुके हैं। इसके बाद करना है बैनर। सो गाइज, उसके नीचे अगर आप एडसेंस के ऐड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से 970x9 की ऐड गैजेट में जाना है और फिर से HTML जैसा हमने ऊपर से परफॉर्म किया था सेम यहाँ पे परफॉर्म करके आप ऐड कर सकते हैं। अभी बात करेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गाइज, यहाँ पे जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिसेंट सेक्शंस, ओके। तो रिसेंट सेक्शंस में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि हमने रिसेंट सेक्शंस के अंदर क्या ऐड किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो रिसेंट पोस्ट जो है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जैक्टली रिसेंट पोस्ट के अंदर इन्होंने जो फीचर्ड पोस्ट यहाँ पे डाले हैं, रिसेंट पोस्ट के अंदर ये सेक्शन ऐड कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे भी कोई पोस्ट पब्लिश हो, किसी तरीके का कुछ डिस्प्ले हो, तो गाइज उस केस के अंदर सिंपली आपको रिसेंट के सेक्शन के अंदर जाना है,
एड गैजेट के अंदर जाना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रहेगा तो वहाँ पे डेटा दिख जाएगा, तो ऐड नहीं करना। और ये सेक्शन आ जाता है मेन वाला सेक्शन, और आई वुड एडवाइस कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का चेंजेस ना करें, एज इट इज रहने दें, ये जैसा दिख रहा है वैसा रहने दें, ताकि आपकी साइड जो है वो जैसे ही आप किसी पोस्ट के अंदर क्लिक करते हैं तो उस पोस्ट के अंदर कैसा सेक्शन आपको दिखेगा वो सारा सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिकली इनसाइड पोस्ट का सेक्शन है। अगर इस पोस्ट के टॉप में मान लीजिए आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो उस केस के अंदर मान लीजिए देखिए आपका पोस्ट इस तरीके से दिखने वाला है, तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं कि कैसा दिखना चाहिए, क्या फॉन्ट साइज होने चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे शेयर्स का आइकन आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये सारा अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो ये सेटअप आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एड्स इनसाइड द पोस्ट, अगर पोस्ट के इंटरनल ऐड करना तो आप एडसेंस पे जाए एडिट कीजिए और सिंपली ये आपको मांगेगा एडसेंस का एड कोड। तो यहाँ पर आपको एडसेंस का एड कोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो एड कोड मैंने दे रखा है इसी तरीके से आपको सिंपली हर जगह पे पेस्ट कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो एड उस पोस्ट के ऊपर दिख जाएगी, मतलब यहाँ पे एड हो जाएगी वो एड, जो बेसिकली मैं आप बाद में एक्सप्लेन करूँगा एग्जैक्टली आपको एडसेंस का एड कैसे ऐड करना है। तो इस तरीके से आपने कर दिया ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो मेन चेंजेस जो करना है आपको साइड बार में करना है, तो साइड बार में देखिए सबसे पहली चीज़ होती है साइड बार, अगर अपन आपकी खुद की ब्लॉग की साइट को अगर खोल करके देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे रिसेंट पोस्ट है, पॉपुलर पोस्ट है और कमेंट है, तो ये सेक्शंस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये कहाँ पे हैं, अगर आप थीम के सेक्शंस में जाएंगे तो टेबल वन है, तो टेबल वन में क्या दिख रहा है, रिसेंट पोस्ट, आप जो भी रिसेंट पोस्ट पब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा है पॉपुलर पोस्ट, आपके जितने भी पोस्ट पॉपुलर रहेंगे पॉपुलर कैटेगरी के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे वहाँ पे चले जाएंगे, और ऑटोमेटिकली ये तीसरा जो सेक्शंस है वो पूरा का पूरा कमेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पे एज इट इज रखना है आपकी साइड पे, आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है, ताकि जब भी यूजर यहाँ पे कुछ करता रहे तो उसको यहाँ पे रिसेंट पोस्ट सारे डिस्प्ले होते, पॉपुलर पोस्ट होते रहे और साथ ही साथ ये आइकन्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो ये सेक्शंस में आपको चेंज नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ वाले सेक्शंस में गूगल एडसेंस के ऐड लगा सकते हैं। तो ये क्या करना है, तो ये सेक्शन आपको चेंज नहीं करना है। मैं सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जाता हूँ यहाँ पे, तो गाइस सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा यहाँ पे 300x250 की एडसेंस की ऐड लगाएं। तो यहाँ एडसेंस का ऐड गैजेट है, सो बेसिकली जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि आपकी अकाउंट एडसेंस के साथ लिंक नहीं है तो आपको लिंक करें, तो अगर एडसेंस के साथ नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इसके बजाय हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं HTML कोड और सीधा ऐड कोड वहाँ पे क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एडसेंस का HTML कोड प्लेस करने के लिए एक स्पेस, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन चूज करना है और HTML पे क्लिक करें। ओके, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एडसेंस का ऐड कोड पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके साइड बार में यहाँ पे ऐड दिखने लग जाएंगे। सर्च और फेवरेट कीवर्ड हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साइड बार में इसको हम नीचे बॉटम में लगा देंगे, तो इसको ओके पे क्लिक कीजिए, हट गया। ओके गाइस, तीसरा फिर से हम एडसेंस नहीं, ऑलरेडी हम एडसेंस यहाँ पे लगा चुके हैं तो बार बार हमें ऐड रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आई एम रिमूविंग इट। इसके बाद ब्लॉग आर्काइव नहीं, इसकी ज़रूरत शायद पड़ सकती है। ये क्या डिस्प्ले करता है एग्जैक्टली, अगर आप ब्लॉगर की साइड पे देखेंगे तो कौन से मंथ में कितने पोस्ट आपने पब्लिश किए, आप देख रहे हैं कि जुलाई के मंथ में मैंने 2 पोस्ट पब्लिश किए, जून के मंथ में मैंने 1 पोस्ट पब्लिश किया, तो ये आर्काइव आप रखना चाहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से इस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सिंपली इसको रिमूव करना, जितना ईजी होगा यूज़र को रीड करना उतना आपके लिए बेस्ट होगा, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके गाइस, इसके बाद एट्रीब्यूट नहीं चाहिए हमें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये फालतू के जितने भी हम इसको हटा देंगे। इसके बाद लेबल की बात करेंगे, तो गाइज लेबल क्या होते हैं, बेसिकली जो आप कैटेगरीज क्रिएट करते हैं वो लेबल होता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं लेबल की, मतलब अगर कोई होस्टिंग पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली होस्टिंग पे चला जाएगा, तो इस तरीके से लेबल का पोस्ट रहने दीजिए। एडसेंस नहीं ज़रूरत है हमें भाई यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने एड कोड बैक टू बैक नहीं लगाएंगे, सो ये भी हटा देंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट ये रहने दीजिए, और पेजेस नहीं चाहिए हमें, हम पेजेस बॉटम में या फिर टॉप बार में लगा देंगे, तो हमें यहाँ पे पेजेस की कोई ज़रूरत है नहीं, सो आई एम रिमूविंग दिस पेजेस। सो गाइज चलिए रिमूव कर देते हैं, सो ये भी गया। इसके बाद में हम नीचे चलेंगे रिसेंट के अंदर, तो रिसेंट पोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ऊपर ऐड कर चुके हैं रिसेंट टॉप में, जितना इजी हो चुका है उतना फटाफट से हम रिमूव कर देंगे। HTML JavaScript तो ऑलरेडी हम यहाँ पे HTML का कोड ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूरत है नहीं। और पॉपुलर पोस्ट जी हाँ, इसको रहने दीजिए। तो ये बेसिकली हमने सेक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, सेव अरेंजमेंट पर क्लिक करता है तो जाके देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। ये सब कचरा जितना भी था यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, और अभी सिंपली हमको थीम दिख रही है इस तरीके की, आप देख पा रहे हैं क्या सब दिख रहे हैं। सो गाइज देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे रहने दिया है, तो वो एज इट इज दिख रहा है, और जैसे ही आप ऐड कोड को इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐड जो है इसके ऊपर यहाँ पे दिखने लगेगी, और वो ऐड का साइज हमेशा 300x250 रखें या फिर 300x280 रखें, तो वो सर आप यहाँ पे जैसे सेटअप करेंगे ऐड यहाँ पे दिखेगी,
और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉपुलर पोस्ट आ गया, ये रिसेंट पोस्ट आपको सेक्शंस आ गया, सब्सक्राइब हियर का बटन आ गया। अभी चाहते कि आप यहाँ पे लंबा सा एडसेंस का एड लगाया, तो गाइस सिंपली आपको वापस आना है पॉपुलर पोस्ट के नीचे, ये टेबल लेबल ये सब कुछ खत्म हो जाता है जब, तो सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्सक्राइब हियर के बाद में कैटेगरीज का लेबल है उसको हटा देंगे अपन, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे फिर से एडसेंस का ऐड कोड, और इस बार आपको ऐड जो यूज़ कर दिया वो 600x19, जी हाँ 600x90 की जो लंबी जो वर्टिकल ऐड होती है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे HTML के कोड पे हम क्लिक करेंगे और सिंपली इसके बाद में हम सेव पे करेंगे, यहाँ पे ऐड कोड आप पेस्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली ऐड दिख जाएगा। तो ये आपका साइड बार सेट हो चुका है। आपके बॉटम के अंदर जो आपका पोस्ट दिख रहा है, जैसे कि हमने पोस्ट को ओपन किया, तो यहाँ पे आपको एक ऐड डिस्प्ले होनी चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड एक डिस्प्ले हो। तो इस ऐड के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से HTML ऐड कीजिए, उसके अंदर ऐड कोड पेस्ट कर दीजिए। ये रिकमेंडेड साइज है, ऐड स्लॉट इतना ही अलोकेटेड है, तो उससे अंदर ही रखिए। तो आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल लंबी से एक ऐड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फुटर की। सो गाइस फुटर क्या होता है? बेसिकली फुटर में हम क्या डिटेल रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ऑथर से रिलेटेड, कि ऑथर भाई ये है हमारा मिस्टर व्यास, ये हमारा ऑथर है। उसके प्रोफाइल को जैसे क्लिक करते हैं ब्लॉगर के अंदर जो भी आपने डिटेल दे रखी होगी यूज़र वहाँ पे पहुंचेगा, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, यहाँ पे चेंज नहीं करना। दूसरा जो पार्ट है, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्ट रखिए, कि बेसिकली जो भी आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि यूज़र अगर बॉटम में पहुँच भी जाए तो वो यहाँ से सिंपली क्लिक करके आपकी साइट के किसी भी सेक्शंस में नेविगेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम करेंगे पॉपुलर पोस्ट, सो लेट्स क्लिक टू दिस और सिंपली यहाँ पे सेक्शन चूज़ करना है आपको पॉपुलर पोस्ट, जो भी आपका पॉपुलर पोस्ट होगा या फिर ब्लॉग के जो भी पॉपुलर पोस्ट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके बाद में पूछेगा कि कितने पोस्ट आपको दिखने चाहिए। तो हमें चाहिए सिर्फ स्निपेट और इमेज थंबनेल और अप टू 2 पोस्ट इज़ गुड इनफ एंड देन सेव। ये आपका सेक्शंस ऐड हो चुका है। और गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कॉर्नर के अंदर, इस खोपचे के अंदर आपको सिंपली एक HTML का कोड ऐड करना है, और वो HTML का कोड जो रहने वाला है वो हमारा गूगल एडसेंस का, तो इसको हटा देना है और फिर से अपन HTML के सेक्शंस के अंदर जाएंगे और HTML के ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। और ये बनाने के बाद आप गूगल एडसेंस के थ्रू जो एड कोड आप 300x250 की साइज़ का जनरेट करेंगे, लिंक ऐड लगाइए यहाँ पे मोस्टली और सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शंस क्रिएट हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को एक सर्च ऑप्शन दिया जाए, तो यहाँ पे एक ऐड गैजेट कीजिए और फेवरेट कीवर्ड, अगर वो कीवर्ड के बेसिस पे आपकी साइट के अंदर सर्च करना चाहता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं सेव सर्च पे क्लिक करता हूँ एंड देन रिफ्रेश। सो अभी देखेंगे फाइनली कितना सेटअप हो चुका है। सो गाइज ये आ चुका है सब्सक्राइब का बटन, पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और सिंपली ये सारा पॉपुलर पोस्ट हो चुके हैं और सब्सक्राइब का बटन भी आपको दिख रहा है। और नीचे आप अपन बॉटम में जाके देखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट ऐड हो चुका है, यहाँ पे ऑथर एडसेंस जैसे ही ऐड लगाएंगे तो आपकी ऐड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये फ्री टेम्पलेट है, ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट दे दिया गया है ब्लॉगर आइडियाज़ बी मास्टर ऑफ ब्लॉगिंग, सो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और गाइज इसको रिमूव करने की एक टेक्निक है जो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज इतना गुड इनाफ है एक साइज़ को कस्टमाइज करने के लिए। सो गाइज इस तरीके से आपको इतने ही ऑप्शंस आपकी साइट पर डिस्प्ले होना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज में आपको चेंजेस कहाँ से करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं या फीचर है या ब्लॉग है या साइट मैप है, कैटेगरीज है ये, तो हम अभी बात करने वाले कि एक्जैक्टली आपको ये कैसे चेंजेस करना है। साथ ही साथ अभी तक हमने यहाँ पे पेजेस ऐड नहीं किया गाइस, सो बेसिकली आपको पेजेस ऐड करने होंगे, तो आप चाहे तो पेजेस कहीं पे भी सेक्शंस में ऐड कर सकते हैं। और पेजेस को ऐड करने के एक अच्छा सा सेक्शन है, या तो आप बॉटम में ऐड करें या फिर आप एकदम टॉप में ऐड करें, लेकिन टॉप में यहाँ पे कि कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं आता है। सो गाइस उसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप बॉटम में ही यहाँ पर ये जो आपने फुटर में ऑथर ऐड किया है यहाँ पर ये कोड ऐड किया है, साथ ही साथ आप पैरेलली एक विजेट ऐड कर सकते हैं या फिर या राइट इन साइड में सबसे छोटा सा आप क्रिएट कर दीजिए प्राइवेसी पॉलिसी टाइप का सेक्शंस। सो चलिए अभी मैं यहीं पे ऐड करता हूँ आपको एक्जैक्टली क्या करना है। तो यहाँ पे गाइज आपको जाना है पेज के सेक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको पेजेस दिखेगा, तो ब्लॉग सर्च है, प्रोफाइल है, पेज हेडर है, इमेजेस है, लेबल और ये पेजेस। तो पेजेस के सेक्शंस के अंदर क्लिक करना है और कौन कौन से पेजेस आपको ऐड करना है। हमें चाहिए होम, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, हमें होम के सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1, 2 एंड 3। सबसे ऊपर रखे अबाउट अस, कैसे क्रिएट करना है मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, देन कॉन्टैक्ट अस, ये इस तरीके से सेक्शंस आपको दिखेगा एंड देन सेव, दैट्स ऑल। इतना कुछ कर दिया आपने, सेव अरेंजमेंट कर दिया, आपके पेजेस भी अभी डिस्प्ले होने लगे हैं। सो इस तरीके से आपकी साइज पूरी तरीके से कस्टमाइज हो चुके हैं। आप चाहे तो उन पेजेस को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ओके गाइज, तो वो बताएंगे हम कैसे एग्जैक्टली आपको करना है। तो लेट्स सी, इस पेज को थोड़ा रिफ्रेश होने देते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी ये सारे पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट अस, ये तीनों पेजेस भी अभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं।
तो आइडियली अभी हमारी साइट पूरी तरीके से प्रिपेयर है, यहाँ पे जितने भी नीडेड चीज चाहिए वो सारी हैं। अभी हम फटाफट से इन कस्टम्स, ये जो ऑप्शंस है वो आपको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे कुछ और नाम आपकी साइट के कुछ और हो सकते हैं, राइट गाइस। सो लेट्स पैरेलली रन। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे थीम का लेआउट हम डिसाइड कर चुके हैं कैसा होना चाहिए, कौन कौन से चेंजेस करने हैं, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है। बेसिकली जैसे ही यहाँ पे लेबल चूज करते हैं या जो भी चीज़ आप चूज करते हैं, इसके भी यहाँ पे पैरेलली चेक करते जाइए साइड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे एंट्री आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो चुके हैं। इसके बाद गाइस हम बात करने वाले हैं बेसिकली थीम में जा करके हमारी थीम के जो ऑप्शंस हैं, जो हम ड्रॉप डाउन से उसको कैसे चेंज करें। इसका कोई इजी तरीका नहीं है गाइस, इसके लिए आपको डेफिनेटली आपके कोड के अंदर जाना होगा और कोड के अंदर जाने के बाद में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए आपको एडिट HTML पे जाना है, और जैसे ही आप एडिट HTML के अंदर जाते हैं यहाँ पे भर भर के आपको कोड दिखने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे चेंजेस करना है। सबसे पहले देख लीजिए आपकी साइट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ साइट मैप, चलो हम साइट मैप कुछ चेंज करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, आपको कंट्रोल F करना है और लेट सी टाइप करते हैं साइट मैप। जैसे ही आप साइट मैप पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आप पहुँच जाते हैं ये वाले सेक्शन के अंदर, लेकिन वो नहीं है। हमें चाहिए लिस्ट पोस्ट जहाँ से आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सके। थोड़ा नीचे जाइए और नीचे जाइए, लेट सी ये रहा आपका सेक्शंस। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली जैसे ही आपको ऐसा दिखने लगेगा मतलब कि ये वो सेक्शंस है जहाँ पे आपको चेंजेस करना है। तो ये रहा वो सेक्शन। देखिए यहाँ पर कोई भी कोड लिखा हुआ रहता है, बेसिकली उसका सेक्शंस क्या होता है कि यहाँ पर है एंकर टेक्स्ट, ये भी है एंकर टेक्स्ट। सो बेसिकली ये क्या है, ये एंकर टेक्स्ट है ब्लॉग, ये है साइड मैप, और साइड मैप के पास है कैटेगरीज। सो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे आपकी थीम के अंदर कौन सा सेक्शन कैसा दिख रहा है। सो गाइस ये ब्लॉग है, ये साइट मैप है, ये कैटेगरीज है। तो हम चाहते हैं पहले साइड मैप की जगह मुझे दिखाई दे वहाँ पे होस्टिंग। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और सिंपली इसको टाइप करूँगा होस्टिंग। तो जैसे ही आप इसको होस्टिंग टाइप करके सेव करते हैं और बेसिकली यहाँ पे जाके चेक करेंगे, ये साइट मैप चेंज हो चुका है होस्टिंग के अंदर, मतलब कि अभी आपने चेंज कर दिया इसको होस्टिंग के अंदर। सो गाइस ये तो सेक्शन हो गया आपका होस्टिंग का। अभी बात करेंगे जैसे ही आप होस्टिंग करते हैं तो गाइस क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उस पोस्ट की अपनी कैटेगरी होती है। ओके, कैसा वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोस्ट होता है वो मान लीजिए कि अभी कौन सी कैटेगरी का है, इसकी कोई कैटेगरी हमने कैटेगराइज नहीं किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई कैटेगराइज हो जिसके बिहाफ पे स्पेशली यूजर सिर्फ होस्टिंग वाले पोस्ट ही देख सके, अगर वो होस्टिंग पे क्लिक करे तो वो जो कैटेगरी का जो URL है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। कैसे मैं बताऊंगा। सो गाइस हमने पहला कैटेगरीज होस्टिंग चेंज किया। गाइस हम बात करने वाले अभी कैटेगरीज के बारे में, और बेसिकली अगर मैं ब्लॉगर के थीम के अंदर जाके चेक करूँ, सो जस्ट अ मिनट, दिस इज समथिंग चेंज्ड। सो गाइज वहाँ पे जाकर के चेक करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे किस तरीके का लुक हमें दिख रहा है कैटेगरीज की वजह से, बिकॉज कैटेगरीज के ऑप्शंस कुछ डिफरेंट है। कैटेगरीज के अंदर CSS एक कैटेगरी और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जबकि फीचर्स को हम चेक कर रहे हैं तो फीचर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसमें एक लंबी सी लिस्ट आती है जहाँ पे फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5 दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी थीम के अंदर तो आप देख पा रहे हैं फीचर में डायरेक्टली ऑप्शंस आते हैं, कैटेगरीज के अंदर सेक्शंस के अंदर सेक्शंस आते हैं, और आप चाहते हैं कि फीचर के अंदर जितने भी है वहाँ पर मुझे दिखाई दे समथिंग ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग के अंदर मुझे ऑप्शन दिखाई दे वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, पहले फीचर्स के अंदर जाना है। देखिए मैं एक स्टेप्स बेसिक बता रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप टाइटल देना चाहते हैं ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग के अंदर मुझे सेक्शन चाहिए वो है लाइक ब्लॉगर, और यहाँ पे दिखाई दे वर्डप्रेस। तो ये दो सेक्शंस, और मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको हटा दूंगा और थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, सेव थीम पे क्लिक करूंगा, इधर आऊंगा और चेक करूंगा फीचर रिप्लेस हो चुका है ब्लॉगिंग से, और ये सारे ऑप्शंस जो आपको 5 दिख रहे हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन ब्लॉगर और वर्डप्रेस से। सो गाइस इस तरीके से आपको सिंपली ऑप्शंस जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन से इसके अंदर ये मल्टीपल ऑप्शन से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली गाइज इसका जो कोड है एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ऑप्शंस चेंज कर दीजिए। और लेट्स सी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये कैटेगरीज है, मुझे नहीं चाहिए कितने सारे सेक्शंस हो यहाँ पे, मुझे कैटेगरीज के बजाय कुछ ऐसा सेक्शन चाहिए जहाँ पे एज इट इज़ कोड हो। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली वापस आऊँगा और जो मैंने ये जो इम्प्लीमेंट किया अभी जो ये वाला कोड था, मैं UL से ले करके या फिर मैं सिंपली बात करूँ यहाँ से चालू होता है वो LI का कोड और ये कोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करूँगा और ये जो कैटेगरी वाला जो सेक्शंस है जिसके अंदर ये मल्टीपल कैटेगरीज इन्होंने क्रिएट करके रखी हैं, लेट्स सी कहाँ तक है, मैं इन सबको रिमूव कर दूंगा। और मान लीजिए कि मैंने रिमूव कर दिया ये कोड, देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने क्यों यहाँ तक किया, क्योंकि वेब डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शंस है वेब डिज़ाइन तक और उसके अंदर आइटम 44, तो मैं वहाँ तक गया और आइटम 44 तक क्लिक किया, फिर ये जो क्लोज हो रहा है वहाँ तक सेक्शंस को डिलीट किया और ऊपर जो हमारा फीचर वाला था वो मैंने पेस्ट कर दिया और सिंपली सेव कर दिया। और मैं ऊपर आता हूँ वापस और आप देख पा रहे हैं
ये कैटेगरीज रिप्लेस हो चुका है सैम ब्लॉगिंग के सेक्शन से। आप देख पा रहे हैं सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी ब्लॉगर और वर्डप्रेस आ गया। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, ये जो ब्लॉगर का जो सेक्शन है वहाँ पर कुछ और लिखेंगे। जैसा कि फर्स्ट टाइम हमने जो बात किया था वो कुछ डिफरेंट था, तो इस बार हम डिफरेंट बात कर सकते हैं। जैसा कि ब्लॉग हो गया, होस्टिंग हो गया, तो इस बार हम लिख सकते हैं SEO, और SEO के अंदर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड दूसरा वाला जो ऑप्शन हम देख सकते हैं गूगल रैंकिंग। इतना कीजिए, सेव थीम पे क्लिक कीजिए, वापस आइए और यहाँ पे आकर के पेज को रिफ्रेश कीजिए। इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो गाइस आप देख पा रहे हैं ब्लॉगिंग में वर्डप्रेस ब्लॉग आ चुका है, या ब्लॉग सेक्शन हो चुका है, होस्टिंग हो चुका है, अभी SEO में टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गूगल रैंकिंग आ चुका है। सिमिलरली अगर आपको इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है तो वापस आइए। जो ऑप्शंस आप नहीं चाहते, जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए मेरी साइट पे, आई डोंट नीड इट, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके गाइस, सिमिलरली अदर जो ऑप्शंस है, चलिए इसको वापस कर देता हूं, जो भी था। सो ये जो जो भी ऑप्शंस है जो आपको नहीं चाहिए, आप सिंपली यहां पे आइए और इसके हिसाब से कहां से वो शुरू हो रहा है और कहां पे बंद हो रहा है। जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूं मैं, तो मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑप्शन है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन शायद इसके अंदर होगा, इसके अंदर कहीं तो होगा, ये रहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन था। अगर आपको ये नहीं चाहिए, पूरा पूरा वर्क का सेट ही नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्क जहाँ से चालू हो रहा है यहाँ से चालू हो रहा है और सिंपली कहाँ पे एंड हो रहा है उसको सिंपली ढूंढिए, जहाँ तक वो एंड होगा वहाँ तक जाइए, वर्क वर्क टू, और मेरे हिसाब से वो एंड होना चाहिए यहाँ पे। वर्क थ्री के अंदर जाके एंड हो रहा है, तो मैं इसको जाकर के डिलीट कर देता हूँ। वर्क के अंदर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसका वर्क थ्री, तो ये सेक्शंस मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ और सिंपली सेव थीम कर देता हूँ। एंड लेट्स सी क्या हुआ, मेरे हिसाब से वर्क का जो ऑप्शन है वो यहाँ से चला जाना चाहिए। सो गाइस चला गया है। सिमिलरली आपको बस ये ऑप्शंस दिख रहा है, इसी तरीके से आप साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइस ये बेसिक आइडिया है कैसे आपको साइज को कस्टमाइज करना है, कौन कौन से ऑप्शंस आपको चूज करना है, और अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं दैट मीन्स कि आपका काम बन जाता है। साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है फेसबुक का आइकन, ये गूगल प्लस का आइकन, यूट्यूब का आइकन, तो उन सब के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे और ढूंढने के बाद में वहाँ पर आपको वो सारी URLs प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा हम डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स में क्लिक करूँ तो एग्जैक्टली मेरा यही पोस्ट दिखे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेंजेस करनी है जिसकी वजह से आपका पोस्ट उस कैटेगरी में जाके मैप हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से गाइज आपको थीम को कस्टमाइज करना है और ये थीम आपको अच्छी तरीके से कस्टमाइज हो जाएगी। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ मेरे खुद के थीम, एग्जैक्टली मैंने उसको कैसे कस्टमाइज़ किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं ये थीम का जो लेआउट है जो अभी अपन ने क्रिएट किया है, एग्जैक्टली उस थीम के लेआउट को मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, बैकअप एंड रीस्टोर में ले चलते हैं और यहाँ पे चलिए छोड़िए अभी। सो गाइज ये क्या प्रोसेस है इसका बेसिकली, कि ये थीम जो है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया, अभी आपके सामने कस्टमाइज़ किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जा करके हम वहाँ पे पोस्ट लिखने वाले हैं। सो गाइस उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, वो है एग्जैक्टली SEO फ्रेंडली पोस्ट आपको कैसा लिखना है। सो अगर आपने इस तरीके से कोई भी थीम क्रिएट कर ली है, अगर आप उसका बैकअप बनाना चाहते हैं, बेसिकली बैकअप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डाउनलोड थीम पे क्लिक कर सकते हैं, सम गैजेट्स में नॉट बी बैक्ड अप, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी ये थीम डाउनलोड हो चुकी है। इसको फ्यूचर में अगर आप कभी भी चाहते हैं तो सेम थीम को आप इंपोर्ट कर लीजिए, आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से हमने थीम को कस्टमाइज़ किया, ये आपकी साइट का लुक आपको दिख रहा है, लेकिन इस थीम को मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर रखा है कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो ऑलरेडी पुरानी थीम थी और वो थीम मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करना है आपको, एग्जैक्टली यहाँ से बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। सिमिलरली जैसा कि मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थीम थी जो पुरानी वाली, जो कलर्ड मिनिमा पे मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज कर रखी है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और सिंपली ओपन करने के बाद मैं अपलोड कर देना है। तो मेरी थीम जो मैंने कस्टमाइज़ की थी, देख पा रहे हैं आप, सिंपली इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं ब्लॉग कैसा दिखता है। तो वहाँ पे गाइस विच वन इज दैट, आई थिंक दिस इज, सो ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है उस थीम को, शायद ये वाला थीम है। सो यहाँ पे गाइज हम देखेंगे एग्जैक्टली मैंने जो थीम कस्टमाइज़ की वो कैसे दिख रहे हैं, देख पा रहे गाइज। सो ये मेरी थीम जो ऑलरेडी कस्टमाइज़ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ये कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारे स्टेप्स भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। ये कुछ कोडिंग में जगह आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्रिएटेड है, स्पेशल्स के अंदर केस स्टडी है, अमेजिंग फैक्ट्स है। अभी जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट दिखेंगे आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉपुलर पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, कमेंट, ये सब देख पा रहे हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे कुछ पॉपुलर पोस्ट का सेक्शन है। तो गाइज इस तरीके से मैंने इस थीम को प्रॉपरली कस्टमाइज़ किया और ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप रियली ये थीम चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को एटलीस्ट 150 लाइक्स एंड अराउंड 50 कमेंट्स या 100 कमेंट्स होंगे
उसी केस के अंदर मैं इस थीम को पब्लिक करूंगा, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको कैसे ऐड करेंगे सारी चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक ग्रूम करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ गाइस ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, और ये गारंटीड एक गुड लुकिंग थीम है जिसके थ्रू आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से आप करते हैं ब्लॉगर के थीम को ऑप्टिमाइज, और आप यूज कर सकते हैं कलर्ड मिनिमा 3 के थीम को जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके थ्रू एडसेंस का अप्रूवल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इस थीम के थ्रू ही मैंने मेरी साइट से एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजी थी और इसके थ्रू अप्रूव्ड हुई, और ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज थीम है। इस थीम को अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कस्टमाइज थीम आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, मैं सबको शेयर करूं, तो गाइज इस वीडियो में एटलीस्ट 150 लाइक्स होने चाहिए और मिनिमम 50 कमेंट्स होंगे, तो मैं गाइस उस थीम को पब्लिक कर दूंगा, आप उस थीम को यूज कर सकते हैं। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए अगर थीम ऑप्टिमाइजेशन में या फिर थीम कस्टमाइजेशन में आपको इश्यू आ रहे हैं, तो मैं उन सारी चीजों को रिजॉल्व करूंगा, और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहिए। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।